मोदी तुझसे बेर नहीं, ब्रजभूषण तेरी खैर नहीं, प्रधानमंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा सम्मान की हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। बीजेपी का कोई आदमी समर्थन के लिए आओ, सब आ सकते हैं। हेलो जनसत्ता में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं, हमारे साथ साक्षी मलिक हैं। कई दिनों से लगातार रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट जारी है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इतना वक्त हो गया है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप बहुत आम नागरिक नहीं हैं, आप लोग, आप तो ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको कि मतलब क्यों आपकी मांगे नहीं मानी जा रही और क्यों आपको इतना दरकिनार कर दिया जा रहा है? देखो, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमें 17 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बस सुनवाई नहीं होने का रीज़न तो अभी सबको पता ही है कि वो पॉलिटिकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है और रूलिंग पार्टी का है, तो शायद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक ट्विटर का वीडियो वायरल है, ट्विटर पे, उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रेसलर्स मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके बगल में खड़े हुए हैं और उस वक्त वो एक रेसलर से ये कह रहे हैं कि आप देश की, आप मेरी बेटी की तरह हैं, मेरे घर की बेटी हैं। जब आप यहाँ लगातार विरोध कर रहे हैं, इन रातों में यहाँ पर आपको गुजारनी पड़ रही है, आपको क्या लगता है कि आप क्या रिप्लाई बैक करना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? देखो, प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेडल जब आते हैं हमारे तो बड़ा सम्मान करते हैं, घर बुलाते हैं हमें चाय पे डिनर पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुसीबत के समय में, और जो कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, भारत की बेटी की लड़ाई है ये कि वो सुरक्षित हों, तो सुनवाई नहीं हो रही, तो बड़ा ऐसे दुख हो रहा है कि क्या मेडल्स आने पर ही हम पूछे जाते हैं क्या? मुसीबत के समय में कोई सामने नहीं आ रहा। तो बस प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि आप भी हमारी बात सुनो, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना लंबा चलेगी अभी लड़ाई, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आप लोगों से बात करने में? देखो, लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी चले, हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे, चाहे वो महीना, दो महीना, साल, दो साल, जितना भी लग जाए, हम यहीं बैठे हैं। और बस नई सुनवाई का रीज़न तो आपको बता ही दिया मैंने। एक बात अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ये प्रोटेस्ट पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का प्रोटेस्ट हो गया है, आपको क्या लगता है? ये सब मुद्दा भटकाने की बातें हैं, प्रोटेस्ट को गुमराह करने की बातें हैं कि ये किसी का, मतलब किसी पार्टी का या किसी जाति का या किसी उसका, तो ये सब मुद्दा भटकाने की बातें। कभी बोलते हैं ये हरियाणा वर्सेस यूपी है, कभी बोलते हैं ये कांग्रेसी हैं, कभी कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ना कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ अपना झंडा लेके आ रहा है हमें अपना प्रमोशन करने के लिए। जो भी यहाँ आ रहा है वो हमारे समर्थन में आ रहा है, हमारे सपोर्ट के लिए आ रहा है। और आपके माध्यम से बता दूं कि हमारा मंच हर एक भारतीय के नागरिक के लिए खुला है, जो हमारे समर्थन में आना चाहे आ सकता है। एक बात अभी चल रही थी कि आप लोगों ने ये कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम वो जो मेडल देश के लिए लेकर आए हैं वो वापस लौटा देंगे, क्या वजह है इसकी? और क्या आपने ये, आप ये भी कह रहे हैं सेम टाइम, आप ये भी कह रहे हैं कि वो मेडल हम देश के लिए लाए हैं तो लौटाने की वजह क्या? देखो, जो सरकार ने सम्मान दिया है और ऐसा सम्मान की हमारी सुनवाई नहीं हो रही, बेटियों की सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। कानून भी, मतलब यूँ मान लो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग आदमी, उसके लिए कानून अलग है, आम जनता के लिए अलग है, तो सबके लिए ऐसे अलग अलग क्यों? तो जब टाइम आएगा तो देखते हैं। एक बात बार बार ये रिपीट की जा रही है और चर्चा ये भी चल रही है कि आप लोग शुरू में प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, उसके बाद आप लोग, उससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था आप लोगों ने एकदम साफ कह दिया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हम अलाउ नहीं करेंगे, तब में और अब में क्या फ़र्क ऐसा आ गया कि आपको लगा कि नहीं अब विपक्ष को साथ लेना ही पड़ेगा? देखो, विपक्ष की कोई बात नहीं है यहाँ, स्पेशली यूँ नहीं है कि मैं विपक्ष के लिए बोल रही हूँ, बीजेपी का कोई आदमी समर्थन के लिए आओ, सब आ सकते हैं। पीटी उषा मैम भी आई है, तो हम किसी को ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं कि वो आओ और वो मत आओ, कोई भी आ सकता है हमारे समर्थन के लिए, विपक्ष की यहाँ कोई मैट बात ही नहीं है। लेकिन ये मतलब आपको नहीं लगता कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहे हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पहले जो आपका रवैया रहा है कि आप उनके साथ, आप बता रहे हैं कि डिनर पे भी आप जाते थे, उनके साथ बहुत क्लोजली आप लोग रहे हैं, तो आपको, आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि मोदी तुझसे बेर नहीं, ब्रजभूषण तेरी खैर नहीं, इस टाइप का कुछ है? हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही आदमी से, ब्रजभूषण से। उसके बीच में जो जो आता है वो हमसे मैटर नहीं करता। हम तो अभी भी जो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारी बात सुने। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रधानमंत्री जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक आदमी से प्रॉब्लम है, तो बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।